हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस सी बी हेल्प पे। सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप भविष्य में अच्छा करें, साथ ही साथ हमारा नाम रोशन करें, हमारे देश का, हमारे राज्य का और अपने परिवार का भी नाम रोशन करें। आप जीवन में सफल हों, आप जीवन में जो मुकाम चाहते हैं वो आपको हासिल हो और साथ ही साथ आप अपने कर्तव्य से कभी भ्रष्ट ना हों, इसकी कामना करता हूं। एक शिक्षक के नाते मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूं, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको आपका सब कुछ चाहा हुआ, अगर आपने सही इच्छा से चाहा हो और उसके लिए सही मेहनत की हो तो आपको वो ज़रूर मिले। जो आप डिज़र्व करते हों, आप जिसके काबिल हों, वो आपको अवश्य मिले। चलिए, शिक्षक दिवस पर आप लोगों से बहुत प्रेम मिला है मुझे और साथ ही साथ इस प्रेम और स्नेह के लिए मैं भी आपका धन्यवाद देता हूँ। और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अगर हमारे वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक मित्रों के साथ इसे शेयर करें, पूरे बिहार में फैला दें ताकि सभी बच्चों तक हम पहुंच सकें, उनकी सहायता कर सकें और बिहार को शिक्षा जगत में, अंग्रेजी शिक्षा में हम आगे बढ़ा सकें। आज हम लोग आपके इंग्लिश का प्रोज सेक्शन लेसन 6 जो कि है, शीर्षक है वंस अपन ए टाइम और इसकी लेखिका टोनी मॉरिसन है, इसके विषय में इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न है, इनिमरेट्स द ट्रेट्स ऑफ द ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी महिला की क्या क्या विशेषताएं थीं, उसके विषय में आप उन्हें बताएं कि उसकी क्या क्या विशेषताएं थीं। ठीक है, पहला प्रश्न आपके बुक का यही है। प्रश्न का उत्तर है कि द ओल्ड वुमन इज़ ब्लाइंड बट वाइज, वो बूढ़ी महिला जो थी वह अंधी थी लेकिन बुद्धिमान थी। हु इज़ लिविंग एलोन इन ए स्मॉल हाउस, जो एक छोटे से घर में अकेले रह रही थी। आउटसाइड द टाउन, और वो घर कहाँ था, शहर के बाहर। ठीक है, वो शहर के बाहर एक छोटे से घर में अकेले रह रही थी। शी इज़ द डॉटर ऑफ ब्लैक अमेरिकन स्लेव्स, वो एक अमेरिकन गुलाम की पुत्री थी, ब्लैक अमेरिकन गुलाम की पुत्री थी। ठीक है, सी वॉज फेमस फॉर हर विजडम, वो अपने ज्ञान के लिए प्रचलित थी, प्रख्यात थी। अमंग हर पीपल शी वॉज हाईली रिस्पेक्टेड, अपने लोगों के बीच उनका बहुत सम्मान था। एज ए रूरल प्रॉफेट, और ये सम्मान कैसे था, तो एक ग्रामीण पैगंबर के रूप में, अर्थात गांव का एक ऐसा आदमी जो उनके बारे में, भविष्य के बारे में बता सकता है, उनके आने वाले दिनों के बारे में बता सकता है कि वो क्या है, क्या होने वाला है, मतलब भविष्य वक्ता आप कह सकते हैं। When she was visited by some young people, जब उनसे मिलने के लिए कुछ युवा लोग आए, she showed her wisdom and does not lose her temper, तो उन्होंने अपने ज्ञान का परिचय दिया और अपना आपा नहीं खोया, मतलब अपना क्रोध नहीं जताया। जबकि वो लोग क्या करने आए थे, इस कहानी में आपने देखा ही था, वो लोग इसके अंधेपन का मजाक उड़ाने और इन्हें गलत साबित करने के लिए आए थे। तो इस पर भी ये महिला, बूढ़ी महिला जो थी वो विचलित नहीं हुई और अपने ज्ञान का परिचय दिया। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हैव यू रिसेंटली हर्ड ए स्टोरी विच इज़ इंटरेस्टिंग, क्या आपने कोई कहानी ऐसी सुनी है जो आपको मनोरंजक, मनोलुभावन लगी हो? और ऐसी अगर कहानी आपने सुनी है तो राइट
दैट स्टोरी इन 100 words. तो उस कहानी को 100 शब्दों में यहाँ लिखें. तो इस प्रश्न के विषय में मैं आपसे यह कहना चाहूँगा, जो कहानी आपको अच्छी लगती हो आप उस कहानी के विषय में यहाँ लिख सकते हैं. जो भी कहानी आपने बचपन से अब तक जो भी कहानी पढ़ी हो वो कहानी आप यहाँ लिख सकते हैं. जो थोड़ी अच्छी हो, जिसे आप अच्छी भाषा में व्यक्त कर सकें, अपने कॉपी पर अंग्रेज़ी में अच्छे से आप लिख सकें, आप उसे लिखने के लिए स्वतंत्र हैं. यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में बात हुई है और मैंने एक ऐसी कहानी का यहाँ जिक्र किया है. आप कह सकते हैं कि ये कहानी एक भविष्य की कहानी होगी, ठीक है. जैसा कि अगर अभी आप देख पा रहे हैं देश की स्थिति कैसी है, लॉकडाउन की स्थिति है, एंड इस स्थिति में हमारे जो घर में जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो आप लोग भी हैं, आप लोग कैसे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं, ये समझिए कि अगर ये सिस्टम लागू रहे तो कैसा होगा. मतलब आने वाले दिनों में स्कूल हो ही नहीं, ना बच्चे स्कूल जाएं, ना बच्चे कभी शिक्षक से मिलें और शिक्षक उन्हें हमेशा इसी प्रकार ऑनलाइन ज्ञान दें, और जो भी ट्रांजैक्शन हो, जो भी लेन देन हो, चाहे वो होमवर्क का हो या फिर जो भी धनराशि का हो, वो भी ऑनलाइन ही हो, सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, संपर्क ख़त्म हो जाए, विद्यालय का झंझट ख़त्म हो जाए, तो कैसा लगेगा. आप लोग जो किताबें पढ़ते हैं वो किताबें ख़त्म हो जाएं, किताबें ना रहें, सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, किताबें भी आपको ऑनलाइन ही PDF के माध्यम से मिले, नोट्स भी आपको वही मिले, और आप जो लिखें परीक्षा दें वो भी आपको ऐसे नहीं लिखना हो, वो भी आपको PDF बना करके ही देना होगा, तो कैसा रहेगा. तो ऐसी ही कहानी एक भविष्य की कहानी है और उसी के बारे में मैंने जिक्र किया है यहाँ पर. मैंने ये कहानी पढ़ी थी CBSE के Class 9 के बुक में, आप वहाँ से ये कहानी पढ़ सकते हैं, ठीक है. और ये कहानी में मैंने देखिए कैसे इसे बयां किया है. लगभग 100 शब्दों में बताया गया है कि आप इसे लिख सकते हैं. तो मैंने इस कहानी को लिखा है कि आई हैव रिसेंटली रेड अ स्टोरी इन विच द स्टोरी डिस्क्राइब्स अबाउट फ्यूचर स्कूल. मैंने हाल ही में एक कहानी पढ़ी जो मुझे यह बताती है कि भविष्य के विद्यालय कैसे होंगे. जैसे कि मैंने कहा कि भविष्य में विद्यालय ही नहीं होंगे, यहाँ भी वही बात होगी. देयर वेयर रोबोट टीचर्स. वहाँ पर जो शिक्षक थे वो रोबोट्स थे, मतलब इंसान नहीं थे. इंसान अभी मान लीजिए हम शिक्षक हैं और हम आपको पढ़ाते हैं, हम अपने मन की बात आपसे करते हैं, आपको विशेष देते हैं, लेकिन अगर हमारी जगह रोबोट टीचर्स हों जिनके अंदर सारी जानकारी फीड कर दी जाए और वो बस आपके सामने आए और जो उनके मन में जो भी सवाल हैं वो लगातार सिर्फ बोलते जाएं, जो उनके अंदर डेटा फीड किया गया, प्रश्न के उत्तर फीड किए गए हैं, वो बस आए बोलते जाएं लिख और आप लोग लिखते चले जाएं, आप लोग उनसे कुछ पूछ नहीं पाएंगे क्योंकि वो मशीन है, वो इंसानी भावनाओं को नहीं समझेगी. तो क्या आप ऐसे शिक्षक के लिए तैयार होंगे, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि देयर वेयर रोबोट टीचर्स. वहाँ पर रोबोट शिक्षक थे, असली शिक्षक नहीं थे हमारी तरह. एंड द स्टूडेंट्स हैड टू सबमिट देयर होमवर्क इन पंच कोड. और बच्चों को होमवर्क जो है वो लिख कर नहीं, पंच कोड के माध्यम से, मतलब कोडिंग के माध्यम से, जैसे आप कंप्यूटर लैंग्वेज में कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, तो ये कोडिंग के माध्यम से जो है उन्हें अपना होमवर्क जमा करना होता था. और ये होमवर्क कैसे जमा होता था, एंड फीड देम इन स्पेसिफिक स्लॉट. और कंप्यूटर में एक विशेष स्लॉट बनाया गया था इस होमवर्क को फीड करने के लिए, आप वहाँ पर इसे इनपुट करेंगे. देयर वॉज ए स्कूल रूम इन देयर हाउस. और उनके घर में, जैसे हमारे घरों में अभी कैसे डाइनिंग रूम होता है, किचन रूम अलग होता है, बाथरूम अलग होता है, वेटिंग रूम अलग होता है, ड्राइंग रूम अलग होता है, तो इसी प्रकार वहाँ पर एक स्कूल रूम भी जुड़ जाएगा. वो स्कूल रूम आपके कक्षा के लिए होगा, आपके स्कूल की जो पढ़ाई होगी उसके लिए होगा. तो ऐसा ही एक स्कूल रूम था वहाँ पर. वहाँ पर कंप्यूटर्स थे और उसके सामने बच्चे बैठ करके रोबोट टीचर से पढ़ते थे. तो वहाँ पर जो है स्कूल उनके घर पे ही था. एंड देयर वेयर नो रियल स्कूल्स. और कोई असली का स्कूल नहीं था. बुक्स वेयर डिजिटल एंड द स्टूडेंट्स हैड नॉट सीन एनी रियल बुक इन देयर लाइफ. जो किताबें थी वो डिजिटल थी
और बच्चों ने अपने जीवन में कभी कोई असली किताब नहीं देखी थी। द बॉय इन द स्टोरी सेड दैट व्हेन हिज ग्रैंडफादर वाज ए किड, इस कहानी में एक लड़का था, वो लड़का कहता है कि जब उसके दादाजी एक बालक थे, एक छोटे बच्चे थे, तो उसके दादाजी ने, मतलब जब वो छोटे थे तो उसके दादाजी ने, मतलब उस बच्चे के उसके दादाजी के दादाजी ने हैड सीन रियल स्कूल्स, तो उन्होंने असली विद्यालय देखा था। मान लीजिए कि अभी हम लोग के जनरेशन है, हमारे पोतों के पोते, उस जनरेशन की बात करें, मतलब आज से 100-150 साल बाद की बात करें, तो ऐसे केसेस में उन्होंने कहा, मतलब हमारी जनरेशन कहेंगी कि हमने विद्यालय देखा था, हम स्कूल जाते थे, हमारे पास किताबें थी, हमारे पास जो है ये कंप्यूटर जैसी पढ़ाई नहीं थी, रोबोट टीचर नहीं थे, असली टीचर थे जो हमसे बातें करते थे, हम स्कूल जाते थे, वहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ते थे। तो यहाँ पर वही बात होती है कि उसके दादाजी के दादाजी ने कहा कि उन्होंने असली विद्यालय देखा है, वेयर चिल्ड्रन फ्रॉम नियर बाय कम टू स्टडी टुगेदर, जहाँ आस पड़ोस के बच्चे एक साथ आकर पढ़ते हैं। द टीचर वॉज अ रियल मैन नॉट ए रोबोट टीचर, और शिक्षक जो है एक असली शिक्षक है, एक इंसान है, ना कि कोई रोबोट टीचर है। तो बच्चों सोचिए, क्या आप इसके लिए तैयार होंगे? अपने विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप ऐसे किसी प्रयोग के लिए तैयार होंगे कि आपको जो है सब कुछ एक ऐसा रोबोट हो जहां पर आपको सारी चीज़ें वो बताता जाए और आप लिखते चले जाएं और वो आपकी ना सुने, बल्कि वो सिर्फ अपने अंदर जो जानकारी फीड की गई है वो जानकारी आपको देता रहे। क्या आप इसके लिए तैयार होंगे? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। प्रश्न है कि डू यू थिंक दैट लैंग्वेज इज क्रूशियल टू ए राइटर, क्या आपको लगता है कि भाषा किसी लेखक के लिए महत्वपूर्ण है? गिव एनी थ्री रीजंस, किन्हीं तीन कारणों की व्याख्या करें। तो ध्यान दें, भाषा ही सब कुछ है। अगर भाषा नहीं होती तो मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा होता, और अगर मैं बात कर भी रहा हूँ तो शायद आप किसी और भाषा को फॉलो करते और हम वो भाषाएं नहीं समझ पाते, है ना? जैसे जानवरों की भाषा अलग, पशुओं की भाषा अलग है और इंसानों की भाषा अलग है, है ना? तो हम उनकी बातें नहीं समझ पाते। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्या भाषा एक लेखक के लिए महत्वपूर्ण है, और उसके तीन कारण बताइए। तो यहाँ मैं मानता हूँ कि यस, लैंग्वेज इज़ क्रूशियल टू ए राइटर, भाषा एक लेखक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इट इनेबल्स हिम टू कम्युनिकेट, यह उसे संपर्क साधने की व्यवस्था देती है, ठीक है, उसी क्षमता देती है कि वो लोगों से संपर्क कर सके, दूसरे तक अपने विचारों को व्यक्त कर सके। लेखक अपने विचार कैसे व्यक्त करता है? भाषा के माध्यम से ही। एंड प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन टेकिंग decisions by him, ठीक, यहाँ एंड गलती से लग गया, आप एंड हटा देंगे, इन टेकिंग decisions by him, ठीक है। तो भाषा ही जो है एक सही पथ दिखाती है, जो निर्णय करता है कि वो क्या भविष्य में करेंगे, ठीक है। द थ्री रीजन्स बिहाइंड इट्स बींग क्रूशियल आर एज फॉलो, तो भाषा के महत्वपूर्ण होने के पीछे जो तीन कारण हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है, इट इज़ लैंग्वेज विच एलॉन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द फ्राइटनिंग एंड क्राउजिंग फियर ऑफ थिंग्स, मतलब वो भाषा ही है जो हमें किसी भी चीज़ के भय से बचाती है। मतलब कि हम अगर किसी चीज़ से डर रहे हों तो उसके बारे में हम जब भाषा के माध्यम से जानते हैं तो हमारा डर कम होता है, ठीक है। दूसरा है, लैंग्वेज इज़ द ओनली मीन्स ऑफ मेडिटेशन, भाषा एकमात्र साधन है जिससे आप अपने आप को स्थिर कर सकते हैं, आप साधना कर सकते हैं, आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, भाषा एकमात्र साधन है। अगला प्रश्न, इसमें अगला पॉइंट है कि इट इज़ लैंग्वेज, वो भाषा ही है दैट टेल्स अस हाउ टू सी विदाउट पिक्चर, जो हमें बिना चित्र के किसी चीज़ को देखने की क्षमता देती है।
जैसे आप कोई कोई कहानी पढ़ते हैं, कहानी सुनते हैं, तो सिर्फ आप सुनते नहीं हैं, उस कहानी को जीते हैं। मतलब कि वो कहानी जो है, ऐसा लगता है कि आप उस घटना को रियली हूबहू होता हुआ देख रहे हैं, जबकि आपको उस कहानी में कोई भी चित्र नहीं दिया जाता। सिर्फ आप कहानी को पढ़ते हैं और उसके चित्र आपके आंखों के सामने घूमने लगते हैं। तो ये होती है असली पहचान भाषा की, जो कि जो घटना नहीं भी हुई है, आपने कहानी सुनी और वो आपके आगे सीन चलने लगा। अब आते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर कि कोट ए फ्यू लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच हाईलाइट्स द प्लाइट ऑफ वुमन एंड द डिप्रेस्ड क्लास। इस कहानी से, जो कहानी हमने पढ़ी जिसका नाम है वंस अपन अ टाइम, उस कहानी से कुछ ऐसे पंक्तियों को चुनकर निकालें जो महिलाओं की और वैसे लोग जो दबे हुए हैं, डिप्रेस्ड हैं, जिन्हें दबाया गया है समाज के द्वारा, उन लोगों की व्यथा को बताता हो। ऐसे कुछ लाइंस जो हैं इस कहानी से चुनकर बताएं। तो देखिए, इन द पीस वंस अपॉन ए टाइम में जो गद्य पद है जिसका नाम है वंस अपॉन ए टाइम, इसमें टोनी मॉरिसन हैज़ डिपिक्टेड द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द वुमेन। तो जो लेखिका हैं टोनी मॉरिसन, ये महिलाओं की दयनीय स्थिति को व्यक्त करता है, एंड पुअर पीपल ऑफ अमेरिका, और साथ ही साथ अमेरिका के जो गरीब लोग हैं उनकी व्यथा को भी, उनके कष्ट को भी व्यक्त करता है। द फॉलोइंग लाइन्स हाईलाइट द प्लाइट ऑफ वुमेन। तो निम्नलिखित पंक्तियां ही हैं जो कि महिलाओं की स्थिति को बताती हैं, और साथ ही साथ जो डिप्रेस्ड लोग हैं, जो सदमे में हैं लोग, उनकी स्थिति को भी बताती है। जैसे आप देख सकते हैं कि पहला इसमें है कि द वुमेन इज़ द डाउटर ऑफ स्लेव्स, कि जो महिला है वो गुलामों की बेटी है, ब्लैक अमेरिकन एंड लिव्स एलोन इन ए स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ टाउन। जो गुलामों की बेटी है, ब्लैक अमेरिकन की बेटी है, और इसे मजबूर होकर शहर से दूर बाहर रहना पड़ता है एक छोटे से घर में अकेले। तो ये उसके कष्ट को बताता है कि उसे क्यों शहर से बाहर रहना पड़ता है, क्योंकि वो गुलाम की बेटी है और वो अंधी है, ठीक है। दूसरा इसमें पंक्ति है कि आई एम ओल्ड फीमेल ब्लैक ब्लाइंड। वो जो महिला कह रही है कि मैं बूढ़ी हूँ, एक स्त्री हूँ और अफ्रीकन हूँ, साथ ही साथ अंधी भी हूँ। तो ये उसके कष्टों को बताता है। फिर एक और पंक्ति है, द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज़ योर्स। वो जब कहती हैं कि भाषा का भविष्य तुम्हारा है उस युवाओं से, तो उस समय भी वो यह बताना चाह रहे हैं कि वो लाचार हैं, वो उन लोगों के हाथों लाचार हैं जो कभी भी आकर उन्हें परेशान कर सकते हैं, उन्हें टॉर्चर कर सकते हैं, उन्हें उनके कमज़ोरी को लेकर के, उनके मतलब कि ये स्थिति जो है डिसेबिलिटी है, अंधेपन को लेकर के उसका मजाक बना सकते हैं। और ये है आपके आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन ए कैरेक्टर इन दिस स्टोरी दैट हैज़ इम्प्रेस्ड यू। एक पैराग्राफ लिखिए कहानी के उस किरदार के विषय में जो आपको पसंद आया इस कहानी में, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि आई लाइक्ड द कैरेक्टर ऑफ द ओल्ड वुमन। मुझे बूढ़ी महिला का किरदार जो है वो पसंद आया। आप इसे अपने विषय में भी लिख सकते हैं, आपको जो किरदार पसंद आया हो। इस कहानी में कुछ ही लोग थे, जैसे कि आपके वो बूढ़ी महिला थी, कुछ लोग जो उसके घर पर आए थे उससे प्रश्न पूछने के लिए वो लोग थे, उसके अलावा जो है एक लड़का और एक लड़की जो गुलाम थे उनके बारे में बात की गई, जो कि लड़का के बारे में बताया गया कि वो हाथ में एक लैंप लेकर के चल रहा है और साथ में जो है वो मदिरा लेकर चल रहा है, सेब की मदिरा लेकर चल रहा है। वो लड़की के बारे में बात हुई जो कि लोगों में रोटी मीट के टुकड़े भी बांट रही है, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टर्स, तो ये सब तो छोटे मोटे रोल्स थे, लेकिन मुख्य जो रोल था वो इस महिला का ही था, तो मैंने इसी के बारे में लिखा है। आप अपने हिसाब से उत्तर लिख लें। यहाँ पर मैंने लिखा है कि शी वॉज ब्लाइंड बट वाइज। वो अंधी थी लेकिन होशियार थी। हर रेपुटेशन
फॉर विजडम वॉज क्लियर टू एवरीवन, और उनके ज्ञान का जो प्रख्यातता थी वो सभी लोगों के लिए स्पष्ट थी, मतलब ज्ञान उनका सभी लोगों के लिए स्पष्ट था। नो वन कुड क्वेश्चन टू हर अबाउट दैट, और इस विषय पर कोई भी उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकता था, ठीक है, उनके ऊपर संदेह नहीं कर सकता था। शी वॉज बोथ द लॉ एंड इट्स ट्रांसग्रेशन, वो नियम बनाने वाली भी थी और नियम तोड़ने वाली भी थी, मतलब वो जो कह देती थी वही नियम होता था और वो जिस चीज़ से मना कर देती वही नियम के खिलाफ हो जाता था, ठीक है। शी वॉज ऑनर्ड एंड हर इंटेलिजेंस वॉज एज ए रूरल प्रॉफिट, उन्हें सम्मान भी दिया गया और उनकी बुद्धिमत्ता जो है वो ग्रामीण पैगंबर के रूप में थी। शी डिडंट लूज हर टेम्पर इवन बींग क्वेश्चन्ड बाय द यंग विजिटर्स, उन्होंने अपना आपा नहीं खोया, अपना क्रोध नहीं गवाया, जबकि उनके ऊपर वो जो युवा लोग आए थे उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा, और साथ में हु सीम टू प्रूव हर ए फ्रॉड, जो उन्हें गलत साबित करने के लिए, एक धोखेबाज साबित करने के लिए आए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर उस महिला के बारे में बताया गया, उसकी धैर्यता के बारे में बताया गया कि वो कैसे खुद पर संयम रखती हैं, धैर्य रखती हैं और लोगों को बर्दाश्त करना जानती हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम केवल इतना ही कर रहे हैं, हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को ही कर रहे हैं। कल इसकी एक और पार्ट आएगी जिसमें कि आपको जो है बुक का सॉल्यूशन, जो रेस्ट सॉल्यूशन बच गया है, जिसमें मेरे ख्याल से दो लेटर्स हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स स्पेलिंग करेक्शंस की होंगी और भी कुछ चीज़ें होंगी, तो वो सब हम कल के वीडियो में करेंगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और जाते जाते एक बार पुनः शिक्षक दिवस पर मैं आप छात्रों को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और साथ ही साथ आप अपने परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करें, आप अपने घर का, अपने जिला का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करें और सबको गौरवान्वित करें। इसमें जहाँ तक मेरा सहयोग हो सकता है मैं करने का पूरा प्रयास करूँगा, और आप भी मेरा साथ दें, मेरी सहायता करें कि ताकि हम जल्द से जल्द उस मुकाम तक पहुँच सकें और हमारा चैनल बिहार के प्रत्येक बच्चों तक पहुँच सके, हम आगे बढ़ सकें। इसके लिए आप भी जो है हमारी सहायता करें, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स हु आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर नेशन। थैंक यू।